गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपये। और ये वीडियो देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, ये तो टट्टी है। सो अगर आप भी 9,000 से 10,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के आसपास एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के बोलो What? सो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हमारी लिस्ट का फर्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो आता है एक नॉन चाइनीज ब्रांड की तरफ से, और ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और वो क्यों है वो आपको पता चल जाएगा। स्मार्टफोन के फीचर्स में सबसे पहले बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको सैमसंग का एक्सिनोस 850 चिपसेट मिल जाता है, जो आपको 8 nm की पावर कंज्यूमिंग फ्रीक्वेंसी और एंड्रॉइड 11 के साथ मिलता है। गाइस, डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसपे आपको 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है। और भाई, डिस्प्ले और प्रोसेसर के इस कॉम्बिनेशन के साथ आप एक अच्छी खासी गेमिंग को अंजाम भी दे सकोगे। बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 15 वाट का चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड अगर स्टोरेज ऑप्शन की बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है 3GB रैम एंड 32GB रोम वाला, एंड इसमें आपको अपनी मेमोरी एक्सपेंड करने के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। सो फाइनली बात कर जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का जो नाम है वो है सैमसंग M12, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके प्राइस चेकआउट कर सकते हो। गाइज, हमारा अगला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रेडमी की तरफ से, और इस स्मार्टफोन का जो नाम है वो है रेडमी 9 प्राइम। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ मिलता है, जिसपे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। प्रोसेसर वगैरह की बात की जाए तो मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा, जो आपको एंड्रॉइड 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है। गाइज, इस प्रोसेसर के साथ आप हार्ड गेमिंग तो नहीं कर सकते, बट माइंड को फ्री कर देने वाली गेमिंग तो आप कर सकोगे। कैमरा सेटअप वगैरह की बात की जाए तो 13+8+5+2 MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 8 MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाएगा। बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 5020 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, एंड साथ ही आपको मिल जाता है 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। स्टोरेज ऑप्शन पे नज़र डाली जाए तो 4GB रैम एंड 64GB रोम वाला वेरिएंट इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है, और आपको अपनी मेमोरी एक्सपेंड करने के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। सो फाइनली गाइस, बात कर जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, हमारा अगला जो स्मार्टफोन आता है वो एक इंडियन ब्रांड की तरफ से आता है, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन 1। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बात कर जाए स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो अगर सबसे पहले डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.67 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, और ये डिस्प्ले आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ मिलती है, जिससे अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। प्रोसेसर वगैरह की बात की जाए तो मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा, और ये प्रोसेसर आपको एंड्रॉइड 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है, जिसके साथ आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो। कैमरा सेटअप में नज़र डाली जाए तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा और 2-2 MP के कुछ एडिशनल कैमरा मिल जाते हैं। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 8 MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा। गाइस, बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो फाइनली बात कर ली जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का प्राइस जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 64GB रोम वाला, जो आपको 10,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा।